जम्मू कश्मीर में जो दोबारा आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उनको लेके सिर्फ वहां के लोग ही नहीं पूरा देश चिंतित है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकवादी हमलों की घटनाओं ने वहां के लोगों के दिलों में फिर से डर का माहौल पैदा कर दिया है। लोग जो कुछ समय से शांति की सांस ले रहे थे अब फिर से चिंतित हैं। कई सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़ने लगा था, पत्थरबाजियां कम हो गई थी धारा 370 हटने के बाद। बट तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से हमला हुआ है। सबसे पहला हमला रियासी जम्मू में हुआ, तारीख थी 9 जून शाम के 6:15 बजे। ध्यान रहे कि उसी दिन मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का मौका था। मोदी सरकार के जो नए मंत्री थे, नव निर्वाचित मंत्री, वो शपथ ले रहे थे। जब देश में नया दौर शुरू हो रहा था तब रियासी के कंदा इलाके में शिवखोड़ा से कटरा जा रही बस पर आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई। निहत्थे लोगों पर झाड़ी में छुपकर पहाड़ी से 20 से 25 30 राउंड तक गोलियां चलाई गई थी। इस हमले में बस का ड्राइवर घायल हो गया और बस खाई में गिर गई। इस दर्दनाक घटना में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 लोग घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्ध आतंकी का स्केच जारी किया है, उसकी जानकारी देने वालों को 20 लाख का इनाम देने की भी घोषणा की है और पुलिस ने इसके लिए 200 से ज्यादा लोगों की पूछताछ की है, सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरा हमला होता है, पहला हमला ध्यान रहे 9 जून, दूसरा हमला 11 जून रात 1 से 2 बजे डोडा जम्मू कश्मीर। डोडा में आतंकवादियों ने भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। इस हमले में 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO घायल हो गए। आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स JEM जैश ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तीसरा हमला कठुआ जम्मू अगेन, तारीख 11 जून देर शाम 8 बजे। कठुआ के सैदा सुखल गांव में 2 आतंकवादियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। वहां के ग्रामीण जो वहां पे रहते हैं उनके घर गए, दरवाजा खटखटाया, उनसे पानी मांगा। उनको शक हुआ तो उन्होंने दरवाजा बंद करके शोर मचाया। आतंकवादियों ने उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी जिससे एक ग्रामीण घायल हो गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो एक आतंकवादी ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की और ग्रेनेड फेंका, इसी दौरान वो मारा गया। दूसरा जो आतंकवादी है वो अभी भी छिपा हुआ है, उसकी तलाश जारी है। आपने इस बार जब हमलों के बारे में सुना होगा तो इसमें एक खास चीज दिखती है, इसमें एक खास पैटर्न दिखता है। सबसे पहले घने जंगलों में छुपने की कोशिश, आतंकवादी हमला करते हैं और छुपकर घने जंगलों में गायब हो जाते हैं। दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि महत्वपूर्ण दिन को चुना गया, शपथ ग्रहण के दिन, जब सारा देश, सारी मीडिया एक्टिवली परस्यू कर रही थी, एक्टिवली कवर कर रही थी इस इवेंट को। आपने ये देखा कि एक महत्वपूर्ण दिन को चुना गया उस हमले के लिए, एक सोची समझी साजिश थी। तीसरी सबसे बड़ी बात, अभी तक शायद ही कभी श्रद्धालुओं पे हमला हुआ हो, इस बार श्रद्धालुओं पे हमला हुआ है। तो ये हमले जेन्युइनली लोगों को वो दिन याद कराने लगे हैं जब जम्मू कश्मीर में अशांति हुआ करती थी और इस तरीके का माहौल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 370 हटने के बाद जिस तरीके से शांति का माहौल था, टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा था, उन सबको इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। अब इन हमलों को लेके जैसा होता है वैसा ही हुआ है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने लगी है। शिवसेना के जो संजय राउत हैं उन्होंने लिखा है कि पहले आतंकी घटनाएं कश्मीर की घाटी में होती थी, मोदी सरकार इतनी मजबूत हुई कि 370 घटने के बाद आतंकी हमले जम्मू संभाग में भी होने लगे जो पहले कभी नहीं देखे थे। आज भी जम्मू संभाग में जो हमला हुआ है जिससे 10 लोगों की मौत हो गई है, मोदी शपथ ले रहे थे और जम्मू में आतंकवादी खूनी खेल खेल रहे थे, कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर वापस नहीं जा सकते, मोदी जी पंडितों की घर वापसी कब होगी, ये अपने एक्स अकाउंट पे संजय राउत ने लिखा है। अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी का इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं आया है। तो इसके मामले में जो मीडिया प्रभारी हैं पवन खेड़ा कांग्रेस के, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास पाकिस्तानी नेताओं को जवाब देने के लिए तो समय है लेकिन क्रूर आतंकी हमलों की निंदा करने के लिए समय नहीं है। पवन खेड़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति की वापसी से भाजपा के खोखले दावों की पोल खुल गई है,
भाजपा ने कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ने की जो की भी जहमत नहीं उठाई, यह प्रमाणित करता है कि उनकी नया कश्मीर नीति पूरी तरीके से विफल रही है। तो ऐसा कहना है पवन खेरा का। अब आगे देखना होगा कि सरकार इसमें कौन से बड़े कदम उठाती है और किस तरीके से ये जो सिचुएशन है वहाँ का, ये जो टेररिज्म का सिचुएशन है, ये जो जिस तरीके से टेररिस्ट घटनाएँ बढ़ रही हैं, उसको सरकार किस तरीके से कंट्रोल करती है। मेरा नाम नील है और आप देख रहे थे जिफी न्यूज़।